हेलो माय फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का आप ही सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। दोस्तों, क्लास 12 के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा पहले उसको देख लीजिए। आज हम उससे आगे वाले शब्दों को करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है डिटेक्टिव, DETECTIVE। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। डिटेक्ट, DETECT, डिटेक्टिव, TIVE, डिटेक्टिव, जासूस। जासूस कौन होता है? हूज बिजनेस इज टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स, यानी कि जिसका व्यापार क्या होता है, जासूस क्रिमिनल्स को, अपराधियों को की जासूसी करना, उसे बोलते हैं जासूस। अपराधियों की चौकसी करना उनको बोलते हैं, करने वाले को जासूस बोलते हैं, डिटेक्टिव। अगला देखिए डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, जो जो सिर्फ किसी और की ना सुनता हो, सिर्फ अपनी अपनी सुनने वाला, अपनी करने वाला। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि खुद का एक ऐसा शासक जिसका खुद का शासन हो, जो खुद ही शासन करता हो, डिक्टेटर बोलते हैं। हिटलर का नाम आपने सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। Effeminate, स्त्री प्रकृति का पुरुष, यानी कि जिसमें लेडीज टाइप के गुण हो, ऐसे व्यक्ति जिसमें फीमेल के गुण हो, उस फीमेल टाइप यानी कि जो फीमेल की तरह व्यवहार करता हो, तो उसे बोलते हैं effeminate। अ मैन हु इज वुमैनिश इन हैबिट, जिसकी आदतें में स्त्रियों के लक्षण दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं effeminate। अगला है इमिग्रेंट, एमिग्रेंट बोलते हैं या इमिग्रेंट बोल सकते हो आप इसको, EMIGRANT, इमिग्रेंट होता है प्रवासी। अ पर्सन हु लीव्स, एक व्यक्ति जो छोड़ देता है हिज ऑन कंट्री, अपने खुद के देश को, एंड सेटल्स, और सेटल हो जाता है, यानी कि सेटल हो जाता है इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में स्थापित हो जाता है। सेटल का मतलब स्थापित हो जाना, एक ऐसे व्यक्ति जो खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में स्थापित हो जाए, दूसरे देश में रहने लग जाए, उसे बोलते हैं प्रवासी। अगला देखिए एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण, एक ऐसी स्पीच जो आपने उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, आपको बुला लिया गया और एकदम आपने बोल दिया, इस तरह की स्पीच को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। टू स्पीक विदाउट प्रीवियस थॉट, विदाउट प्रीवियस आप थॉट कह सकते हो या फिर आप प्रिपरेशन बोल सकते हैं। टू स्पीक बोलना, विदाउट बिना प्रीवियस पहले प्रिपरेशन तैयारी के, बिना तैयारी के बोलना। अगला देखिए एपिटैप, एपिटैप का मतलब होता है समाधि, समाधि लेख या स्मृति लेख, वर्ड यानी कि समाधि पर जो शब्द लिखे होते हैं उसे बोलते हैं एपिटैप, EPITAPH, एपिटैप। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम स्टोन आफ्टर वंस डेथ, किसी की मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर लिखे जाने वाले शब्द। अगला देखिए एपिडेमिक, एपिडेमिक होती है महामारी, एक ऐसी बीमारी, अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत जो चारों तरफ फैल जाए, उसे बोलते हैं महामारी, एपिडेमिक, EPIDEMICE, एपिडेमिक। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल करते जो जो व्यक्ति फालतू के खर्चा करता हो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च करने वाला। वन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो खर्च करता अपने पैसे को रेकलेसली, बेचैनी से बिल्कुल, यानी कि उसे ये नहीं पता कि बचाना भी है या नहीं, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एलिक्सिर, एलिक्सिर होता है रामबाण औषधि, आपने सुना होगा पेनिशिया, यानी कि हर मर्ज की एक दवा, उसे बोलते हैं एलिक्सिर, ELIXIR, एलिक्सिर, रामबाण औषधि। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रेमेडीज, रेमेडी का मतलब औषधि को बोल, रेमेडी औषधि को बोलते हैं, फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए एक ही औषधि, उसे बोलते हैं एलिक्सिर। फ्रेजाइल या फ्रेगाइल भी कह सकते हो आप इसको, फ्रेजाइल भी बोल सकते हो, भंगूर, आसानी से टूटने वाला, जिस चीज को आप आसानी से तोड़ दोगे वो होगा फ्रेजाइल या फिर फ्रेगाइल। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, एक ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए बहुत सारे टुकड़ों में। इटलिस्ट, स�orry, फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट, भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करते हो, जो सोचते मेरे भाग्य में ये है, मेरे भाग्य में है। वन हू बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता हो। फेमिनिस्ट, नारी हितैषी, नारियों का हित करने वाला, नारियों के प्रति ज्यादा पजेसिव रहने वाला। FEMINIST, फेमिनिस्ट। अ पर्सन हु, अ पर्सन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जो नारियों के कल्याण के लिए बिल्कुल तत्पर हो, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। जर्मिसाइड, GERMICIDE, जर्मिनाइड, जीवाणुनाशी। एक बात ध्यान रखना, जब भी लास्ट में साइड लिखा हो CIDE, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हत्या से होगा, मरने से होगा, जैसे सुसाइड, आत्महत्या। जर्मिसाइड का मतलब जीवाणुनाशी, जीवाणु को मारने वाला। मेडिसिन दैट किल जर्म्स, एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवा, एक ऐसी औषधि जो जर्म्स को, कीटाणु को मारती हो। हॉबी, हॉबी आपको पता ही है, हॉबी क्या होती है, आदत को बोलते हैं जिसमें आप अच्छे हो। अ टाइप ऑफ वर्क, दैट इज ए टाइप ऑफ वर्क ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का एक ऐसा काम, दैट इज स्पेशली सुटेबल फॉर समवन, जो एक व्यक्ति को या किसी को भी ज्यादा सूट करता हो, उसे बोलते हैं हॉबी। ऑनररी,
इसको बोलते हैं ऑनोरेरी। ऑनोरेरी का मतलब क्या होता है? अवैतनिक। अवैतनिक क्या होता है? देखो वैतनिक में वेतन, वेतन दिखाई दे रहा है, सैलरी, तो इसका मतलब होता है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसा दफ्तर, एक ऐसा ऑफिस जहां पर सैलरी ना मिलती हो, जहां पर तनख्वाह ना मिलती हो, उसे बोलते हैं ऑनोरेरी या ऑनरी बोल सकते हो आप इसको। इलिटरेट अनपढ़ को बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो, पर्सन हु कैन नॉट नाइदर रीड नॉर रीड, जो ना पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, इलिटरेट। IELTRATE, इलिटरेट अनपढ़। इलीगल गैर कानूनी, आपको पता है कंट्रेरी टू लॉ, यानी कि जो विरोध करता हो, कानून का विरोध करने वाला गैर कानूनी, यानी कि कानून को ना मानने वाला इलीगल गैर कानूनी। इनऑडिबल, जिसे इनऑडिबल, जो सुना जा सके, ऑडिबल का ऑडी का ऑडियो, ऑडियो ऑडियो क्या होती है, आवाज को बोलते हैं इन ऑडियो। इन ऑडिबल जो सुना जा सके, विच कैन नॉट बी हर्ड, विच कैन नॉट बी हर्ड। इन ऑडिबल का मतलब जो सुन, मैंने माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, इन ऑडिबल का मतलब जो सुना ना जा सके, इन ऑडिबल, विच कैन नॉट बी हर्ड। इनइविटेबल, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको अनदेखा ना किया जा सके, उसे बोलते हैं इनइविटेबल। INEVITABLE, इनइविटेबल, जिसको जिसको आप नजरअंदाज ना कर सको। अगला देखिए और लास्ट, इनफॉलिबल, INFALLIBLE, इनफॉलिबल, गलती ना करने वाला। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करता हो, उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। आई होप आपको ये समझ में आई होंगे, अगर समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कत आई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।